हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन इट अ थ्रेड इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप द फिल्म इज पंचरड इनसाइड द लूप एंड द थ्रेड बिकम्स अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन बी टी देन द टेंशन इन द थ्रेड विल बी तो हमको क्या दिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल फिल्म है किसकी सॉफ्ट सॉल्यूशन की लूप और सर्फेस टेंशन जो दे रखा है सॉप सोलूशन का कितना टी दे रखा है तो हमको टेंशन फाइंड आउट करना है थ्रेड पे कितना टेंशन होगा ठीक है तो हम कंडीशन को इस हिसाब से बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा क्या है ये एक हमारा यहाँ पर ठीक so, है तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो एक थ्रेड है ये इसका एक लेवल बना देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लेवल ठीक है अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा एक ये जो थ्रेड है ठीक है मैं कुछ को इसको इस तरीके से बनाता हूँ कुछ ये हमारा क्या हो गया थ्रेड हो गया तो इस इसपे क्या लग रहा होगा इस साइड फोर्स लग रहा होगा ठीक है इस साइड क्या लग रहा होगा इस साइड भी इसपे क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा ठीक है ये पॉइंट ए है हमारा ये पॉइंट मान लेता हूँ जहां ये पॉइंट कितना है हमारा बी है तो ये यहाँ से कितना इधर भी डी थीटा बना रहा होगा छोटा एंगल हम मान लेते हैं छोटा सेक्शन अगर इसका मानते हैं तो वो भी डी थीटा बना रहा होगा ये डी थीटा है तो ये भी कितना होगा हमारा ये भी डी थीटा होगा ठीक है और ये भी कितना होगा हमारा डी थीटा होगा यहाँ से अब जो फोर्स है वो क्या होगा ये एफ इज ए टू क्या हो जाएगा हमारा वही तो टेंशन होगा ठीक है तो सरफेस टेंशन क्या होगा इसका रेडियली आउटवर्ड होगा तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं सरफेस टेंशन फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड रेडियली क्या है आउटवर्ड है ठीक है तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ए बी पे देखते हूँ ये जो एबी है ना इस पे देखते हम ऑन एबी देखो तो क्या होगा जो होगा ना हमको क्या चाहिए यहाँ से देखते हैं हम ए बी पे क्या होगा ये टू एफ साइन डी थीटा मैं क्या लेता हूँ एफ इधर लग रहा है एफ इधर लग रहा है तो इसका क्या कंपोनेंट आएगा ये इधर टू एफ साइन डी थीटा तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा जो दोनों दोनों साइड पे लग रहा है ना ठीक है दोनों साइड पे लगने वाला फोर्स हो गया ठीक तो ये आ जाएगा हमारा सरफेस टेंशन फोर्स फ्रॉम टू फिल्म दोनों फिल्म की वजह से फ्रॉम टू साइड्स दोनों साइड पे लग रहा है फ्रॉम टू साइड्स ही गया ठीक है अभी हम क्या माने देखो थीटा क्या हमारा बहुत छोटा एंगल है फॉर स्मॉल एंगल जो साइन डी थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा डी थीटा के इक्वल हो जाएगा अब यहाँ देखते हैं हम ये कितना आ रहा है हमारा टू एफ ये आ गया हमारा साइन डी थीटा की वजह जगह क्या आ गया हमारा डी थीटा आ गया तो देखते हैं यहाँ पे टू जो ये हमारा लग रहा है एफ डी थीटा तो वो किसके आ जाएगा टी इंटू एल के इक्वल आ जाएगा ठीक है तो अब यहाँ टेंशन इंटू ये है, एल के इक्वल आ गया अब वो देखते हैं हम टू टी जो हमारा एल होगा ये स्मॉल अगर पोर्शन ले लूँ मैं ये एल कितना आ जाएगा ये इसकी रेडियस कितनी अगर मान लो आर हो जाती है तो ये कितना आ जाएगा आर डी थीटा ही तो आएगा हमारा ठीक टू आर डी थीटा ठीक है कितना आएगा ये टू आर डी थीटा ये टी आर एल को एल को क्या लिख सकता हूँ मैं टू आर डी थीटा आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे यहाँ से एफ की वैल्यू मेरी आ जाएगी ठीक है तो ये ये टू से टू क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया ये एफ ये डी थीटा से डी थीटा हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा हमारा टू टी आर बचा या इसको मैं टू आर टी भी लिख सकता हूं तो इतना क्या लगेगा हमारे पास ये लगेगा टेंशन फोर्स ये आ गया हमारा टेंशन एन थ्रेड थ्रेड पे कितना टेंशन लग हमारा एफ इज इक्वल्स ये आंसर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा गया हमारा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी दैट इज टू कितना आ गया टू आर टी यही हमारा फाइनल आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक